गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो इसलिए संतोष आदर्श विद्या मंदिर लाया आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम कल 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे गेमेटोजेनेसिस, उसी को आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप। फर्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। टू स्टेप्स, द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड द सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? स्पर्मेटिड से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कल हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड देख चुके थे, पढ़ चुके थे उसको, स्पर्मेटोसाइटोसिस की प्रोसेस हम पढ़ चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटिड से, और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये आ गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब होगा क्या, देखो कल वाला मैं थोड़ा सा आपको रिविजन करा देता हूँ। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थी टेस्टिस के अंदर, उसमें माइटोसिस हो रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, फिर इसमें ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ के बाद इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट से जो हैप्लोइड सेल बनी इसको हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में मियोसिस सेकेंड हुआ और स्पर्मेटिड बना था। यहाँ तक की जो प्रोसेस थी कल हमारी थी वो थी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। आज की जो हमारा टॉपिक होगा कि इस स्पर्मेटिड में ऐसे क्या चेंजेज आते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म के अंदर। ये है स्पर्म, ये स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसमें ऐसे क्या चेंज होगा, स्पर्मेटिड में कैसे क्या क्या चेंजेस होंगे कि वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, मेनी चेंजेस अकर इन स्पर्मेटिड, बहुत सारे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से क्या होगा ये बदल जाएगा स्पर्म में। पहला चेंजेस होगा चेंजेस इन न्यूक्लियस। देखो ये जो स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस होगा इसके अंदर चेंजेस होगा, ये न्यूक्लियस है ठीक है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, इसमें जो अनवांटेड यूजलेस जो चीज़ें होगी ठीक है वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। जैसे हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है ठीक है, प्रोटीन है, उन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि इन सबको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि स्पर्म का जो वेट है वो बिल्कुल हल्का हो जाए, बिल्कुल वेट लॉस हो जाए उसका। चेंज इन न्यूक्लियस, द अनयूज्ड फर्स्ट चेंजेस क्या आएगा, चेंज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चेंज आएगा, क्या आएगा, द अनयूज्ड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस आर डिस्कार्डेड, मतलब जो अनयूज्ड सब्सटेंस है न्यूक्लियस के वो डिस्कार्डेड कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्या क्या निकलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है आरएनए है, प्रोटीन है, न्यूक्लियोलस है, इनकी ये सब न्यूक्लियस से हटा दिए जाएंगे ताकि क्या हो, स्पर्म का जो भार है वो कम हो जाए। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा न्यूक्लियस का, ये नेरो और लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा नेरो पतला हो जाएगा और इस तरीके से लॉन्ग हो जाएगा। दूसरा चेंजेस क्या होता है, देखो चेंज इन न्यूक्लियस, दूसरा चेंज आता है एक्रोसोम फॉर्मेशन। मेन प्रोसेस है एक्रोसोम फॉर्मेशन। जो स्पर्म होता है, जैसे सपोज ये स्पर्म स्ट्रक्चर है, ये इसका स्पर्म का न्यूक्लियस है ठीक है, तो इसमें एक तो ये न्यूक्लियस होगा, इसमें चेंजेस हुए ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसके जो हेड पार्ट की टिप पार्ट पर एक्रोसोम ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है ठीक है। ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ये गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, सेल्स में जो गोल्जी बॉडी होती है उनके द्वारा एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है हमारे हाई एल्यूरोनोडीज एंजाइम। तो देखो एक्रोसोम का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, गोल्जी बॉडी के द्वारा, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है हमारे हाई एल्यूरोनोडीज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या काम करता है, ये जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये क्या करेगा, ये जैसे एग है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये एग से टच होगा, तो इसकी ये जो एग मेम्ब्रेन है, इस एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम इस एंजाइम का होता है। तो पहला चेंजेस क्या हुआ, चेंज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के शेप में चेंज हो गया, अनयूजुअल जो सब्सटेंस थे उनको डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरा होगा हमारा एक्रोसोम फॉर्मेशन, हमने देख लिया एक्रोसोम फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडीज होती है जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन
करती है, और इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाई एलुटोनिडेज एंजाइम। ये का क्या काम करता है, ये करता है एक की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है। तीसरा जो फॉर्मेशन होगा इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टेल। ये देख रहे हैं हम, जैसे ये है स्पर्म की टेल, अभी मैं स्पर्म के स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको, अभी जनरली ये देख लो, ये स्पर्म की टेल है। तो यहाँ पर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। जो ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है यहीं ये एक्सिल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, और इसी के द्वारा टेल का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना है कि टेल का फॉर्मेशन, स्पर्म में जो टेल का फॉर्मेशन होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिस्टल सेंट्रियोल, एक्सिल फिलामेंट फॉर्म फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, वो दो स्टेप में हो चुका है। पहले स्टेप में था स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, इसको बोला हमने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरी स्टेप इसी में था स्पर्म का फॉर्मेशन, किसके, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, इसको बोल दिया हमने स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम एक बार, डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। टेस्टिस के अंदर प्रिमोर्डियल जर्म सेल से माइटोसिस हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन रहे हैं, फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, एक सेल्स हमने ले लिया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसमें इस ग्रोथ हुई है, इसको ये ग्रोथ वाली सेल्स होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहलाएगी, मियोसिस सेकेंड के द्वारा स्पर्मेटिड। यहाँ तक की जो प्रोसेस थी इसको हमने बोल दिया था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फिर यहाँ से स्पर्म बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, तीन चेंजेस मेनली हुए हैं, एक तो न्यूक्लियस में चेंजेस हुआ है, दूसरा एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ है, तीसरा इसका टेल बना है। इस तरीके से ये स्पर्मियोजेनेसिस भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में याद रखना है दो स्टेप में होगा, और नाउ ये आपके सामने है, नाउ कंप्लीट, थैंक यू। अभी हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, अब हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मेनली जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो हार्मोनल इफेक्ट होती है, हार्मोनल द्वारा, हार्मोन के द्वारा ही ये कंट्रोल होती है। अब कौन कौन से हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, देखिए, एक तो LH हार्मोन, एक होता है FSH हार्मोन, एक होता है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीन तरह के हार्मोन होते हैं जो मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। देखो LH हार्मोन होता है, ये जो तीनों हार्मोन होते हैं वो रिलीज किससे होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है ये हमारे माइंड में होती है, ब्रेन में होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इससे तीन तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब देखो LH हार्मोन होता है वो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, लीडिंग सेल से फिर एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है, और एंड्रोजन फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। ऐसे ही सर्टोली सेल्स होती है, FSH हार्मोन होता है जो सर्टोली सेल्स, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है ये लीडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स, जैसे ये टेस्टिस है, ठीक है, अगर हम इसका TS देखें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो इसके अंदर ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स है, तो बीच बीच में इनमें यहाँ होती है सर्टोली सेल, ठीक है, और बाहर की तरफ होती है लीडिंग सेल्स, ये होती है लीडिंग सेल्स, यहाँ होती है सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है, LH हार्मोन, एंड्रोजन का सिक्रीशन होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा। वैसे ही FSH हार्मोन होता है जो सर्टोली सेल्स होती है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर, इसको स्टिमुलेट करेगी और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टिमुलेशन में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर होते हैं मेनली वो हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन याद रखना है, LH हार्मोन, FSH हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब हम देख रहे हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्पर्म स्ट्रक्चर। देखिए स्पर्म की स्ट्रक्चर को मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, हेड पार्ट, मिडिल पार्ट और इसका टेल पार्ट। अब हम देखते हैं कि इसके हेड पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हेड पार्ट में हम देखेंगे, देखो जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब हेड पार्ट में और क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, एक एक्रोसोम होगा। तो ये न्यूक्लियस है ये रहा, और न्यूक्लियस में आपको पता है ये हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है, तो क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे, इसमें ह्यूमंस की बात करेंगे तो 23 क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे क्योंकि ये हैप्लोइड है।
तो हेड पार्ट में क्या हो गया, एक तो न्यूक्लियस हो गया और दूसरा इसके ऊपर गोल्जी बॉडी द्वारा बना हुआ क्या होगा, एक्रोसोम। और इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, हाई एल्यूरोनोडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा एक की मेम्ब्रेन को। तो ये हेड पार्ट में क्या हो गया, मेनली दो दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया एक्रोसोम। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट में ये वाला पार्ट नेक पार्ट कहलाता है इसका। ठीक है, इसमें दो तरीके सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल मतलब जो न्यूक्लियस के पास में है, प्रोक्सिमल न्यूक्लियस से दूर है, ये डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो इसका इन दोनों का काम क्या है, देखो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, ये जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये पूरा स्पर्म एक के अंदर नहीं जाता है, केवल ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल अंदर चला जाता है, डिस्टल सेंट्रियोल फिर अंदर नहीं जाता है, एक के अंदर यहाँ तक का वाला पार्ट एक के अंदर एंटर कर जाता है। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एक के अंदर प्रवेश कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है, ये देखो जब जायगोट बन जाएगा जायगोट में फिर बहुत सारे क्लीवेज होंगे तो सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन के दौरान जो ये स्पाइनल फाइबर्स बनते हैं, ऐसे ये जो स्पाइनल फाइबर बन रहे हैं, ठीक है, ये स्पाइनल फाइबर बनाने का काम किसका है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का। फिर इसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है, वो है डिस्टल सेंट्रियोल। पहले बताया था मैंने डिस्टल सेंट्रियोल क्या काम करता है, डिस्टल सेंट्रियोल ये देखो जो ये दिख रहा है एक्सिल फिलामेंट, इस टेल पार्ट तक ये जो एक्सिल फिलामेंट है, पूरे टेल पार्ट का फॉर्मेशन भी है, तो ये एक्सिल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता कौन है, डिस्टल सेंट्रियोल। तो हमने दो पार्ट देख लिए, हेड पार्ट उसमें क्या हो गया न्यूक्लियस एक्रोसोम, इसके फिर नेक वाले पार्ट में हम देख लेते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। अब इसके मिडिल पार्ट में और क्या प्रेजेंट होगा, एक ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपको सर्पिलाकार स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब स्पर्म मूव करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बहुत सारे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ये पीछे वाला जो टेल पार्ट है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, याद रखना हेड पार्ट, मिडिल पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट में क्या क्या है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। मिडिल पार्ट में क्या क्या है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रियम। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, एक्सिल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा, और इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और पीछे वाला जो पार्ट होता है वो टेल पार्ट होता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच।